नमस्कार, आपको आप सबको स्वागत करते हैं वैष्णव पर। इस वक्त हम वैष्णव टीम पहुंचे हैं चंक्यू विलेज यंगफो विलेज पर, जो चायंगटाजो ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पर हमें ये खबर मिला था कि यहाँ में जो विलेजर जो बुला था कि यहाँ का जो ग्रीवेंसेस जो यहाँ का जो एक टायंगसार है वो लोग का जो विलेज का है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ में जो कैंपा स्कीम 30 हेक्टर स्कीम डाला गया है, लेकिन विलेजर का ये कहना था कि इसमें उसकी ज़मीन जो 30 हेक्टर नहीं है, 1 हेक्टर है, 1 हेक्टर है। तो जब हमने यहाँ पर पहुँचा और गन रिलेटेड चेकिंग किया, और विलेजर का और भी ये कहना था कि 30 हेक्टर में उसकी ज़मीन को इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर इफेक्ट पड़ता है बोलने से काल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का द्वारा क्लेम भी किया जा सकता है। तो उस डर से उन पब्लिक ने यहाँ पर आज यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया और री जियो ट्रैकिंग के लिए बुलाया, और यहाँ में आज जंगल में जाकर यहाँ में जो कि गेट में जाकर री चेकिंग किया। देखिए, इसमें ये आपका कैंपा का स्कीम है। कैंपा मतलब है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फाउंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का है। तो उसमें जहाँ में ऑलरेडी खेती किया हुआ है, जहाँ में फॉरेस्ट को ऑलरेडी डिमेज किया हुआ है, वो जगह में कंपनसेशन ये कंपनसेटरी के लिए गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी लैंड में जो है उसका प्लांटेशन किया जाता है। और जमीन को, बस्ती का जमीन को, जैसे ये आपका चंक नामचंग है, ये नामचंग को गवर्नमेंट जो है जमीन को लेने के लिए वो पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि जिस आदमी ने लैंड डोनर किया है, लैंड डोनेट किया है, उस जगह में प्लांटेशन डाल देना है। तो प्लांटेशन डाल के वो आदमी जो है वो अपना जो कंपन एरिया को लोकाप्तर करेगा, पेड़ पौधा को हो जो है लोकाप्तर करेगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी हुई है। कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण से अभी रहा 30 हेक्टर का, जो हम लोग ने अभी पूरा चारों कुनर का लेंथ ये बांधारी को हम लोग ने GPS लिया है। तो आदमी का बांधारी का आदमी का नाम को भी बस्ती और गंगबरा का साथ में हम लोग रिकॉर्ड लिया है। तो रिकॉर्ड लेने के बाद में ये है कि तायंग का जमीन इतना ही बोल के अभी GPS का मुताबिक में इसे दिखाई देगा। तो वहाँ में ऑफिस में कितना 30 हेक्टर है ना 30 हेक्टर नहीं है वो कंप्यूटर में डाल के तब ना दिखेगा। अभी हम लोग किसे यहाँ में कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है, हम लोग किसे कैलकुलेशन करेगा वही है। यहाँ में चंक्यू विलेज नम चंक्यू नमचंग बोल के विलेज है, उसको अवतएंगा यंगफो ने 30 हेक्टर का स्कीम ला के काम किया है। उसको हम लोग लैंड डिमिनेशन करने के लिए आया यहाँ में, वो जो आज नाप के दिखा है वो 1 हेक्टर है ना 2 हेक्टर है, वो उसको वहाँ में ऑफिस में बात करके निकलेगा हम ना, सब पब्लिक सुनिए। और ये आज जो जितना पिता नाप है उसको हम ऑफिस में बात करके निकलेगा। अगर ये इसको 30 हेक्टर को गवर्नमेंट जो आउताइंग को 30 हेक्टर दे के पैसा ले चुका है, अभी जो डेमिकेशन लैंड डेमिकेशन किया है नापा है, पिता खुद नापा है, हम लोग उसको मीटर को निकालेगा, हेड एक 10 मीटर दो हेक्टर है ना 20 हेक्टर उसको निकालेगा वहाँ में। उसके बाद हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट को 30 हेक्टर को देने वाला जो पहले जो ज्योति कौन किया था उसको हमको चाहिए, वो आदमी को चाहिए, वो तो वो पागल वाला आदमी होता होगा, चाहिए उसको। हम डिपार्टमेंट को बात करेगा, अगर डिपार्टमेंट को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए 30 हेक्टर को दे के पैसा ले चुका है, उसके बाद इन फ्यूचर में हम लोग को यहाँ में बस्ती में डिपार्टमेंट जो क्लेम नहीं करेगा बोल के हमको एपोलॉजी लिख के रख देना पड़ेगा डिपार्टमेंट जो, ये है मेरा जो बेचा है, जो जमीन डोनेट किया वो भी हमको चाहिए, उसका भी एग्रीमेंट चाहिए, ये है मेरा मांग जो ये है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो आपने जो पब्लिक का कहना है, आपका विलेजर्स का कहना है कि जो आप जो स्कीम डाला गया है उसका कहना है कि 30 हेक्टर आप डाला है, लेकिन आपका ज़मीन जो 30 हेक्टर नहीं है, तो उसमें वो लोग कह रहा है कि आपका ज़मीन जो 1 हेक्टर भी नहीं है, तो सर इसमें आपका क्या विषय है और आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? मैं आपका वॉइस नाउ का चैनल से आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आकर के बस्ती में इतना दूर एरिया में आकर के आप लोग आकर के पब्लिक का सामने में
क्लियरिफिकेशन लिया तो बहुत मैं तेरे दिल से आप लोग को टेंस देता है क्योंकि क्योंकि बस्ती बस्ती में हर बस्ती में जो हर बस्ती नहीं बोल करके एमएलए लोग जो है ये कैंपा स्कैम को वो लोग भाग करके कि जिस जिसका एमएलए जो अपना वर्कर्स को सिलेक्शन करके ये सेम स्कीम को चयांगताजो एरिया पीपू साबा एरिया में वो इंटर अरुणाचल में ये चलता है। ये जो किस लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये पेड़ पौधा पाल करके इसका वहाँ से पानी बचाव करने पानी के लिए पर्यावरण के लिए इसलिए गर्मी ने हम हमने प्रपोजल दिया था थर्टी एक तरह का प्रपोजल डालने का बाद जो है सिंक्शन आया है हमको 30 यूनिट बढ़ करके हमको सिर्फ 15,60,000 अमाउंट का आया है। उसका हिसाब से हम प्लांटेशन किया है 2007, 2008, 2009 तीन साल में हम कर करके अभी ख़त्म किया। हम ऑलरेडी उसमें भी लिखा है कि नॉर्थ में तायंगफो का ईस्ट में तारम का वेस्ट में कचो एंगफो का साउथ में पीएमजी रोड। हम पब्लिक को अभी से हम क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि किसी का ज़मीन भी ऑलरेडी वहाँ डिमार्केशन है एक इंच भी किसी का पब्लिक का ज़मीन नहीं लेगा। अगर हम गलती करता है तो वो जो अभी जो रीस जीपीएस लिया है ये सेंट्रल गर्मी में भी मालूम होगा और मिसिंग डालने का बाद ऑटोमेटिकल अभी लास्ट कितना जो है हिक्तर आया वो अपने आप से मालूम हो जाएगा। इस विषय में आज हमने यहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन्हें भी बात किया और यहाँ का विलेजर्स और जो स्कीम डाला गया है उसका मालिक ओनर से भी बात किया और यहाँ का जो कि विलेजर्स जो इसे अपोज कर रहा है उनसे भी बात किया। मैं विश्वास कर और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे साथ हमारे वॉइस नाउ टीम का साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।